खींच ले। बड़ी मुश्किल से तो ये लेसिस डाले, मेरे को लगा कि ये मैंने गलत डाल रखे हैं। देन मैंने सारे निकाले और क्रिस क्रॉस में डाले, वो अच्छे नहीं लगे। देन वापस से नॉर्मल किया। अब मेरे को ये डाउट है, ऐसे ही थे शूज़ या फिर क्रिस क्रॉस में थे? छोड़ दो, जैसे भी थे कोई नहीं, मैंने तो डाल दिए जैसे थे वैसे। कुछ नया लेसिस कौन डालना आ रहा था? पहले पापा जी ने लेसिस डाल दिए थे मेरे, मैं कि पापा जी ने शायद गलत डाल दिए, पहले क्रिस क्रॉस थे, फिर मैंने सारे खोले, फिर मैंने क्रिस क्रॉस डाले, ना यार क्रिस क्रॉस तो सुंदर नहीं लग रहे, फिर मैंने दोबारा निकाले, फिर सिंपल वाले डाले, अभी भी तसल्ली नहीं, मैंने छोड़ ही दिया। So, hey guys, I'm Varun, so welcome to another vlog. It's 2:30 in the afternoon, guys, and मैं सुबह से नहाया भी नहीं हूँ। सुबह लेट उठा, 8 बजे उठा था, देन ऐसे ही घूमता रहा। आज का दिन तो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं रहा। छुट्टी वाले दिन है ना, कुछ भी सिस्टम नहीं रहता गाइज, पड़े रहते हैं, नहाते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते। So, अगर स्कूल में जानो देन तो सुबह सुबह जल्दी उठते हैं, नहाते हैं एंड फिर चलते हैं, जल्दी उठते हैं। और आजकल तो एक और प्रॉब्लम, मेरे को अलार्म तक नहीं सुनती, मेरा फ़ोन साइड में पड़ा रहता है, मैं दो दो तीन दिन अलार्म भगे सोता हूँ एंड मेरे को अलार्म ही नहीं सुनती, वो बजता रहता है फ़ोन, बजता रहता है, मैं अपने मस्ती में पता नहीं क्या हो गया गाइस, मेरे को अलार्म ही नहीं सुनती यार, मेरा फ़ोन इतना तेज़ बोलता है मेरे को सुनाई नहीं देता। कोई नहीं, इसको ठीक करना पड़ेगा। चलो मैं अपना पानी गर्म करना रख के आया था, उसके बाद नहाते, नहा दो यार, सुंदर होता है, मैं ऐसे ही घूम रहा हूँ छपरियों की तरह। पानी शायद गर्म हो गया होगा, बहुत देर हो यार, पानी गर्म नहीं हुआ अभी तक, क्या चक्कर हो गया? अरे अच्छे से रखेगा, अरे यार आग तो बुझ रखी है, पानी कहाँ से गर्म होगा? यहाँ पे तो मसाज पार्लर चला रखा है। कितने पैसों में कर रहे हो बाबा जी? ये इसका भाई ये बोल रहा है कि मैं 90% नंबर लेके आऊँगा इस बार। अच्छा हाँ। अरे खड़ा हो ले जल्दी, खड़े होने के मूड में ये देखियो, खड़े होने के मूड में बोलिया बस। ये प्रॉमिस किया है कि भाई इस बार क्लास में मैं मतलब पहले 3 बच्चे उनमें से आऊँगा। दिखाइयो शकल, दिखाइयो शकल, दिखाइयो, पहले 3 में से आएगा। हाँ मम्मी जी, इसके YouTube ना बनाने का रीज़न है। हाँ। एक दिन मैम इससे नहीं बोली, एक मैम दूसरी मैम से बोली कि ये सारा दिन वीडियोस बनाता रहता है, इंस्टा पे भी डालता है, ये वो, बस उस दिन पाछे इसने वीडियो बनानी छोड़ दी। या कोई बात है फिर? अच्छा ऐसे तो तेरे को दुनिया बोलेगी कि ये करता है वो करता है। बात अलग बात है, तेरा मूड को नहीं, बात अलग बात है, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान है ना, अभी इसका पूरा फोकस पढ़ाई पे है। वो तो ये बाप इसने डिफेंड करो हो। ना 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 ऐसा थोड़ी है, देखियो खड़ा हो गया, चल पढ़ाना, मैंने जब इसकी बात बोली की है कि चिंगर गया, इतना चिड़चिड़ा हो रखा है आजकल। वैसे बात यही है, ये मेरे को सुबह बता रहा था, मैं कि यार तेरा रीजन बता, तो वीडियोस क्यों नहीं बनाता? देन बताता है मेरे को कि हाँ कि चला जा यहाँ से, चला जा, कह रहा है कि बस एक दिन मैम ऐसे ही बोलने लगी थी दूसरी मैम को कि ये वीडियोस बनाता रहता है, ये करता रहता है, वो करता रहता है। देन मैंने समझाया इसको प्यार से, बट ये मानना नहीं, फिर भी मैंने समझाया कि भाई साहब ऐसे तो दुनिया बोलती रहती है, अब तू ऐसे करेगा भाई कि वो उसने तेरे प्यार से बोल दिया। हाँ घंटा करेगा, मेरे को तो पता नहीं कोई। एक अच्छा एक बात मेरी बात छोड़, तू भी मेरे साथ कितनी बार जाए, मेरे बारे में कितनी लोग किक्के बोली ना, सुन सीरियस बात कर, तू 2 मिनट तो नहीं बता, एक 2 मिनट ही सुना है को, देख तने बीर है ना, तेरे को पता है ना मेरे बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं, मैं फिर सुनता हूँ उनकी, नहीं सुनता ना, मेरे टीचर्स भी बोल देते हैं आधी बार तो मेरे को क्लास में कुछ भी चैनल के बारे में, बट मैं फिर भी इग्नोर कर देता हूँ, बोल तो ऐसे थोड़ी है, मेरे तो स्कूल में बच्चे बहुत सारे हैं, मेरे गांव में मेरे इतने हेटर्स हो रखे ना चैनल के, भाई साहब मैं बता नहीं सकता आपको, तो मैं चैनल थोड़ी छोड़ देता हूँ उनके चक्कर में, पढ़न दो अपना काम करो, जलते रहेंगे हम, जलाते रहेंगे ऐसे ही। पापा जी का तो ड्यूटी का टाइम हो चुका है, नहा दो के चल पड़े हैं, अभी तक हम नहाए ही नहीं है। आप 25 ना होगा डायरेक्टिव या फिर बीच में फिर आओगा? अच्छा इसको नहीं लेके चलेंगे प्रतीक को, यहीं पे छोड़ भी जाएंगे, ये 90% वाला पढ़ेगा ना घर पे बैठ के। हाँ हम चलेंगे तीनों, हाँ ये एग्जाम में टॉप करेगा, हम सब जाएंगे। ठंडो कार जो गोलगप्पे खा के आया है, बोलता है कि मम्मी जी मैं ठंडा कार करके आऊँगा 20 रुपये लेके, चल पड़ा अपने खाया, मेरे को पूछता ही नहीं है, मेरे को पूछने के लिए तेरे पप्पा आएंगे? पापा जी तो चले गए वैसे। कि चलो आज डिफरेंट वेरिएशन ट्राई करते हैं, इसके ऊपर है ना हुडी डालते हैं, किसको पता लगता है अंदर से क्या डाल रखा है। ना तो के ऑल सेट गाइस, एंड मेरे को हुडी काफ़ी ज़्यादा पसंद है गाइस, इतना मस्त लगता है ना हुडी में, एक अलग सी फील आती है, कैप भी साथ में हो जाती है, जैकेट की जैकेट हो जाती है, पतली की पतली हो जाती है, ऑल इन वन कह सकते हैं हम इसे, बिल्कुल मजे आते हैं। एंड प्रतीक हमें है ना कुछ दिखाने की बोल रहा था, कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह देखते हैं, साइंटिस्ट बना घूम रहे हैं आजकल, डॉक्टर प्रतीक साइंटिस्ट ऑफ पांडवान, देखते हैं क्या करेगा। चलिए सर दिखाइए, हाँ बोल है, पत्ता तोड़े लो सर, आपके लिए पत्ता तोड़ दिया है। ये छोटे छोटे जो एनिमल्स है ना, ये पानी में डूबते नहीं है, ऊपर ऊपर चल रहे हैं, देखियो ऊपर भाग रहे हैं ना, दिख नहीं रहा क्या कैमरे में? हाँ दिख रहा है, देखो ये एक्सपेरिमेंट था,
अब कह दे कि पत्ता डूबा नहीं, दिस इज माई एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल। हमको जोर लगाना पड़ेगा, जोर पोटी निकल जाएगी जोर लगाएगा तो बेटा। यहाँ पे बम्बार्डमेंट करवा देगा तो, वरना जोर लगा रहा है लड़का। देखियो पीछे से कहीं पीली हो जाए। मैं तेली कर दूंगा। वो तो बाद में, बाद की बात है, पहले तेरी देखेंगे हम। ये जोर लगाना स्टार्ट किया, बम्बार्डमेंट होने वाली है। अरे वो हरामखोर नालायक निकम्मा ना। हाँ आगे से खोल ले इसको, खोल ले। अरे दांतों में जोर नहीं है बिल्कुल भी। खींच ले। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई ना, पेन खराब था वैसे ये भी। अरे जोर नहीं है क्या, जोर लगा ले। पानी लिक्विड की फॉर्म में पड़ी है सारी। ये तो तिया कहाँ से आ गया, भाग भाई। मैं तेरा जोर लगवा दूँगा। कर ले जाके हाँ सहज के करे। वाह अब पानी की पैंट बजा दी, निकाल निकाल जल्दी डब्बे से इंक भी निकाल पानी में से। कुछ कुछ हाँ एक्सपेरिमेंट, पानी की बैंड बजा दी, घंटा एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट कौन थोड़ा रही है, एक्सपेरिमेंट इस फील्ड दूसरी साइड तो पड़ गयो। हाँ ये क्या है, देख फिर पानी की बैंड बजा दी, जल्दी निकाल। चल रहा है ये एक्सपेरिमेंट हो। हप इसका एक्सपेरिमेंट बोलते हैं गाइस, हमारे गली वाला कुत्ता है ना, इससे अच्छा एक्सपेरिमेंट कर लेता है, जिसको तू रोटी डालता है वो छोटा सा 2 महीने का, घंटा एक्सपेरिमेंट था। हमारा कुत्ता नहीं इतना जोर लगाता है, मुझे पीली हो जाती है। हाँ तुम्हारा कुत्ता लगाता होगा भाई जोर इतना, हमारे वाला कुत्ता तो इतना जोर नहीं लगाता कि पीली। पता है क्या क्या, एक पत्ते के ऊपर थोड़ी सी इंक डाली और पानी में छोड़ दिया, कहता है ये पत्ता फ्लोट कर रहा है, दिस इज माय एक्सपेरिमेंट, वाओ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, आई एम अ ग्रेट साइंटिस्ट, मेरे को अवार्ड देना चाहिए। हाँ तेरे को नोबेल प्राइज दिलाएंगे अबे, घंटा। हाँ नोबेल प्राइज याद आया, आपको पता है मैथ में ना कभी भी नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता, क्यों? इसका रीजन बड़ा फनी है, बिकॉज नोबेल प्राइज जिसके नाम से स्टार्ट हुआ था ना, उसकी जो वाइफ थी या फिर गर्लफ्रेंड थी, आई डोंट नो, शायद गर्लफ्रेंड थी, वो है ना किसी मैथ वाले बंदे के साथ चली गई थी। देन उसको आया गुस्सा, बोलता है मैथ में नोबेल प्राइज नहीं दे दोगे, जब तक नोबेल प्राइज चलेगा ना मैथ वालों को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, तो और तुम हर सब्जेक्ट में नोबेल प्राइज दे देना, बट मैथ वालों को नोबेल प्राइज मत दे देना। आज तक वो खुंदस निकाल ही रहा है बच्चों से। आज उनका गेल मत जाइए खेलने। किन के साथ है? ए जदा कोनी ड्यूटी पे गया, बेब गया ही ड्यूटी पे गया। हाँ क्यों गो की में काम थो, आ जाओ तो फिर एक मिनट। फोन सच्ची कौन रखेंगे, हैं फोन नहीं रखते ये मिस्त्री हैं और फोन भी नहीं रखते, कमाल के आदमी हैं। पापा जी तो चले गए एंड हमारे घर पे, वो मिस्त्री आए थे, वो दादाजी लगते हैं, वो हमें होद खुदवाना है ना, तो अब आए वो। मैं कि पापा जी तो चले गए, देन बात वगैरह करवा दी, तो कल से हमारे यहाँ पे काम स्टार्ट कर देंगे। एक होद में ना एक सीक्रेट कमरा बनवाएंगे, ताकि कोई शरारत करे ना तो प्रतीक को अंदर घुसा दे उसके अंदर। सीक्रेट कमरों पानी डाल दे, दे बह जा तो पहले तेने बाढ़ दे भीतर, उसके बाद उसमें पानी डाल दे, काम खत्म। हाँ इस होता उड़ो दो टंकरा को भर जाओ तेरे दे, कोई ना मैं तेरो काम जाओ चाले तेरा काम दे चला और के और दुनियादारी तो तने के करनो तेरी बैंड दे हम बजा बढ़िया रही और के काम खत्म। खुश खुश फिर इनार चाहिए रहा था उसरे, कोई बात नहीं वो अंदर रखा है। तो अब हमें थोड़ी पता था, मैंने ऐसे काट दिया, वो तेल है ना इसके अंदर जम जाता है, गोले का तेल है मतलब वो कोकोनट वाला। चुप हो जाए अगर तू वा बेटे, वो तेल निकलता नहीं अंदर से यार, कोकोनट वाला तेल है ना सर्दियों में जम जाता है, तो मम्मी ऐसे बोली। आहा कौन है वे, मैं ऐसे कह रहा था कि हमारा जो कोकोनट वाला तेल है ना वो जम जाता है, तो मम्मी जी के कहने पे मम्मी जी के कहने पे हमने उसको हमारी पैंट गीली कर दी थी, तो पानी का पाए रुक जा साथी, पानी मत गिरा। हाँ तो मैं यार मैं लोअर की लागर नहीं आ मैं पैर रुक जा ना यार तोड़ दे गोल कर मैं आगे तोड़ आगे तोड़ कर दो। ये क्या बात है, इनको पीछे से गीली कर दिया, बागे से भी गीली कर देता, छोड़ो ले इसको भी छोड़ दे पैर लाग जा की तरह, कोई तो धक्का साइड हो ले भाई, बहुत हो लियो मम्मी जी देखियो
और के मानना है को नहीं, इसको भी मैं फेंक क्या था। तो मम्मी जी ऐसे बोली बीच में से काट दे, मैंने काट दिया। वैसे कहते तेरे को तो कुछ नहीं आता, ये वो नालायक निकम, मैं तेरी ऐसी दारू बनाऊंगा यहीं पे। अब की बार ऑरेंज का कलर पता नहीं कैसा है। मम्मी जी देखियो किस रंग का है ये, पीला क्यों करनी मेरे को नहीं। टेस्ट में तो ठीक है, टेस्ट में खराब ही है। अरे यहाँ बढ़िया हुई है मेरे को नहीं, मन तो खिन्नू मस्त लगी हुई बढ़ला। मैं और लक्ष्य मिल के है ना गांव में ये ढूंढ रहे थे वाईफाई किसके पास है। एक दो के पास पूछा जिनको मैं जानता था मैं कि वाईफाई है भैया जी, एक का तो खराब हो रखा था, दूसरा बोलता है हमारे पास वाईफाई है। देन हमने सोचा कि ऐसे देखते हैं हमारे गांव में वाईफाई किस किसके पास है। देन मैंने अपना वाईफाई ऑन किया और गलियों में ऐसे ऐसे घूमते रहे देखते हैं किसके पास वाईफाई है। फाइनली एक जगह पर जाके वाईफाई मिला, फिर मैं कि यार अब यार सब पे पासवर्ड है क्या करें ये वो। देन मेरे रैंडमली ऐसी मन में आ गया कि पासवर्ड डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने पासवर्ड डाला, BSNL का था एक, कनेक्ट हो गया भाई साहब। फिर मैं खुश हो गया, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। मैं कि यहीं पे खड़े हो गए ना अपना ब्लॉग अपलोड कर देता हूँ जल्दी से। नेट था पर थोड़ी स्पीड बहुत कम चल रही थी यार, पता है हम वहाँ पे 10-15 मिनट खड़े रहे और हमारा 2% ब्लॉग अपलोड हुआ और 7 GB का ब्लॉग था, केवल 200 MB का ब्लॉग अपलोड हुआ था यार। फिर क्या करें, देन उसके बाद है ना हमारी रेंज ही चली गई। फिर उसके बाद हमें आना पड़ा यार, अगर थोड़ी सी स्पीड होती ना तो अपना ब्लॉग अपलोड कर लेते। एंड यार ब्लॉग वाला तो प्रॉब्लम हो ही गया, अभी तक ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ मेरा। अभी प्रमोद भी थोड़ा बिजी है क्रेशरों में यार, कुछ पंगे ही हो गए। कोई नहीं, लेट्स गो ना, मैनेज, ऐसी सिचुएशन आनी चाहिए लाइफ में। दिल गो ना टीच यू बाइक वाला, अनदर बाइक वाला अभी कोर्ट में चलते हैं, केस करके आते। दिमाग खराब कर रखा है गाइस इन्होंने मेरा, तो दिमाग खराब कर देते यार। गाड़ी बाइक वाले दिखता नहीं है क्या, व्लॉगर व्लॉगिंग कर रहा है, दूर रुकना चाहिए ना, इतनी इज्जत तो देनी चाहिए ना, मानते ही नहीं है। कोई नहीं, केस करेंगे ना फिर मानेंगे ये। अभी चलो यार घर पे चलते हैं अभी। हाँ सब गेम करूँगा एक, हाँ नहीं बताया तो मैं तेरी इसी हालत कर दूँगा। अरे पक्का पासवर्ड बताओ मुझे, जल्दी खा दो। गुड़ कौन लेना साथ में? ना पानी जल्दी खा ले। हाँ खा, बढ़िया लड़का, खा निकल लो थोड़े से, चबाण थो गर्ल चैलेंज है। भाग जा, तूने एक्सेप्ट नहीं किया अच्छे से, जा अच्छे से फॉलो नहीं किया, निकल अब, कुछ बात नहीं मानो तेरी, तूने अच्छे से वो नहीं किया, जा निकल ले अब। इस प्रतीक के बच्चे ने बैंड बजवा रखी है गाइस, तीखा दे दो मम्मी जी, तीखा दे दो, सब्जी में मिर्च डलवा दी, मेरी बैंड बज रखी है, हवा टाइट हो रखी है बुरी तरह से, एक टूक नहीं खाया जा रहा। मैंने इतनी सारी मिर्च निकाल दी सब्जी में, हरी मिर्च डाल दी वो भी 4, मैं बिल्कुल भी मिर्च नहीं खाता, बैंड बजवा रखी है। ओह भाई साहब। एंड आपको एक बात पता है गाइस, जो स्पाइसी है ना वो टेस्ट नहीं होता, जैसे अपनी जीभ के ऊपर टेस्ट बड्स होते हैं ना, स्वीट सॉल्टी और बिटर, तो है ना स्पाइसी टेस्ट नहीं होता, वो है ना पेन का एहसास होता है। स्पाइसी इज जस्ट द फीलिंग ऑफ पेन अपनी बॉडी के ऊपर, जो मतलब टंग के ऊपर जो पेन होता है ना वो होता है स्पाइसी, जो फिलहाल मैं फील कर रहा हूँ। मेरे कुछ बनी हुआ है, ये मिर्च खानी स्टार्ट कर गया, पता नहीं कहाँ से अपने फ्रेंड सर्कल से सीख गया है कि मिर्च खानी चाहिए, मिर्च बहुत ज्यादा अच्छी होती है, घंटा अच्छी होती है, मेरी हवा टाइट हो रही है, पता नहीं कहाँ से हवा निकल रही है। भूख भी लगी हुई है, तीखा बहुत ज्यादा लग रहा है। भूख लगी तो बाबा क्या कह रहा है दिए भाई। देखियो मैं गुड़ लेके आया हूँ, गुड़ के साथ खा रहा हूँ। रात के 10:30 हो रखे हैं गाइस, एंड एडिटिंग वगैरह कंप्लीट हो चुकी है, बट मेरा व्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। इट टुक 7 GB फॉर अपलोडिंग एंड आई डोंट हैव दैट, और कुछ जुगाड़ पानी भी नहीं हुआ। देखते हैं यार सुबह तक व्लॉग आ पाता है कि नहीं आ पाता, लेट्स सी। मैं कुछ भी नहीं कह सकता बिकॉज काफ़ी ज़्यादा वो रखा है कि अपलोड कैसे करें बिकॉज नेट काफ़ी ज़्यादा है एंड आई डोंट हैव दैट मच नेट। आई कैन अफोर्ड अप टू, मतलब 2 मेरे में मिलता है, 2 मम्मी वाले में बस 4, तो क्या करें यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अपलोड करेंगे कैसे ना कैसे करके करेंगे, कल ना भी आई डोंट नो, कुछ नहीं कह सकते, बट आई गोना ट्राई माई बेस्ट। एंड इस लोग को यहीं पर एंड करते हैं, मैं अपना सो जाता हूँ जल्दी से बिकॉज कल मेरा एग्ज़ाम भी है, तो फिर अपना सोते आराम से। आई होप आपको व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।